प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज की वीडियो विच मैं तो सबन करवा जा रहा हाँ यह पैराग्राफ। तो यह पैराग्राफ है सवेर की सैर के उत्ते। चलो हम आप शुरू करते हाँ। सब तो पहला सवेर की सैर हर उम्र के व्यक्ति लई लाभदायक है। यह एक प्रकार की हल्की कसरत है जिस तो शरीर नू बहुमुला लाभ प्राप्त हुंदा है। जिन्हां लोकां दे शरीर विच खेडा खेडन जां भारी कसरत करन दी शक्ति नहीं हुंदी उन्हां लई सैर बड़ी गुणकारी साबित हुंदी है। यह चंगे रिश्ते पुष्ट व्यक्ति दे जीवन विच भी भारी महानता रखती है। सवेर दी सैर सूरज चढ़न तो पहला करनी चाहीदी है। इस समय साडे फेफड़िआं नूं ताज़ी अते खुली हवा मिलती है जो साडी शरीरिक अते मानसिक अरोगता लई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुंदी है। इस नाल साडे शरीर दे हर एक अंग नूं लाभ पहुँचता है। इस नाल शरीर विच चुस्ती ते दिमाग विच फुर्ती पैदा हुंदी है अते अखां दी रोशनी तेज हुंदी है। अगे सवेर दी सैर नाल साडी उमर लंबी हुंदी है। इस नाल साडा शरीर कई बीमारियों तो बचिया रहिंदा है। इस नाल साडी भुख वधदी है ते पाचन शक्ति तेज हुंदी है। जिहड़े हर रोज़ सैर नहीं करदे ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। इस नाल उसकी बुद्धि तेज हुंदी है ते याद करन दी शक्ति वधदी है। इस करके विद्यार्थियों नूं रोज़ सैर करनी चाहीदी है। तां अज दी वीडियो लई इन्ना ही। मैं तो सब नूं मिलूंगा अगली वीडियो विच। इस वीडियो नूं पूरा देखण दे लई धन्नवाद।